मुसलमानों का एक ग्रुप था, उसने इनका सब गुरुद्वारे पे अटैक कर दिया और ये कर दिया वो कर दिया, बड़े थ्रेट दिए हैं। तो ऐसी बेबुनियाद वीडियोस जो हैं वो सोशल मीडिया पे आ रही हैं, वायरल हो रही हैं, और उस पर ऐसे ऐसे लोग कमेंट्स कर रहे हैं और ऐसी ऐसी एडवाइस दे रहे हैं कि सोच से बालातर हैं। जब आप एक रिस्पॉन्सिबल पर्सन है किसी भी मुल्क के, आपके पास नेशनैलिटी है, तो वहाँ पे हर शख्स को फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम ऑफ सिलेक्शन ऑफ रिलीजन, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, फ्रीडम ऑफ असेंबली फॉर देयर एक्चुअल राइट, ये कानून देता है, हमारा आइन देता है। तो मैं ये जिस चीज़ मेंशन कर रहा हूँ दोस्तों के साथ जिनको इस स्टोरी के बैकग्राउंड का नहीं पता, आल्दो वो जो वाक़या हुआ उसको भी मैं बताता हूँ, लेकिन उसके बाद एक और वीडियो आई है जो अपोलॉजी की उस बंदे ने, और लेकिन उस वीडियो पे कोई भी पॉजिटिव नहीं ले रहा उसको, और उस पर भी पाकिस्तानी ऐसे मुफक्कर हैं, ऐसे वकील और जस्टिस बने हुए हैं लोग, कि ऐसी ऐसी सज़ाएं तजवीज़ कर रहे हैं उस बंदे के लिए कि आप सोच नहीं सकते कि वो पाकिस्तान का शहरी है या नहीं है। चले अभी वो वाक़या, उसके मुहरक़ात क्या है और उस वाक़या क्या हुआ था। वाक़या ये था, जिन लोगों को नहीं पता, कि उसके एक छोटे भाई ने, वहाँ पे जाहिर है सिख कम्युनिटी रह रही है, और एक लड़की सिख लड़की थी जिसको अपनी मर्जी से, और ये उन्होंने ये बात कोर्ट में प्रूव की है, सेशन कोर्ट में, और अपनी मर्जी से वो दायरे इस्लाम में आई और उसके साथ उसने निकाह किया, और बाद में कुछ आप इसको फॉरेन एजेंसियां भी कह सकते हैं जिन्होंने पाकिस्तान का इमेज ख़राब करने के लिए उस वाक्यों को एक हाइप क्रिएट की, स्पेशली इंडियन मीडिया ने, इंडियन सोशल मीडिया ने, और फिर उसको एक ये बताया गया कि ज़बरदस्ती उसने किया है, जिसपे फिर हमारी गवर्नमेंट इंडल्ज हुई वहाँ पर, और वो वाकया सेशन कोर्ट ने, लड़की ने अपने अदालत में जाके बयान दिए जज साहब की मौजूदगी में, सेशन जज साहब की मौजूदगी में, कि मैंने अपनी मर्जी से इस्लाम कबूल किया और मुझे किसी ने फोर्स नहीं किया, तो मैं ना ही वापस जाना चाहती हूँ। तो जो सिख फैमिली थी उन्होंने कहा कि हमें ये वापस भेजी जाए। तो बात मुख्तसर ये कि फिर ये मामला इतना हो गया कि पिछले चंद दिनों बाद इसमें हमारे गवर्नर पंजाब जो है वो इन्वॉल्व हुए, उन्होंने वो सिख जो फैमिली थी और मुसलमानों की जो फैमिली थी उनको गवर्नर हाउस में बुलाया, और ये मामला बड़े खुश असलूबी से तय पा चुका था। और लड़की की जब बात आई तो उस लड़की ने कहा कि मैंने अपने घर वापस नहीं जाना, मतलब मैंने सिख में रिवर्ट नहीं होना, मैं अब इस्लाम पे हूँ तो मैं इस्लाम पे ही जिंदा और मरूंगी। तो फैसला ये हुआ कि उस लड़की को दारुल अमान में भेज दिया जाए। अब तक जब तक मुझे जितना मुझे पता है, अभी तक वो लड़की दारुल अमान लाहौर में है, वो नहीं गई वापस और ना ही वो जाना चाहती है। तो ये मामला ख़त्म हो चुका था, लेकिन फिर इसके बाद आप देखें ये एजेंसियां भी हो सकती हैं, जाहिर है इंडियन मीडिया इसमें इसको बहुत बड़ी हाइप क्रिएट कर रहा है, और इंडियन मीडिया ने एक मामला दोबारा उठाया और उस फैमिली को, जो मुसलमान फैमिली थी, उसको दोबारा प्रेशराइज किया कि उस लड़की को तलाक दो, ताकि जब तुम तलाक दे दोगे तो तुम्हारा कोई शरी हक नहीं होगा, तो हम उसको जैसे तैसे करके उसको दोबारा ले आएंगे। तो अब मेरा सवाल ये है कि उन्होंने, अगर उस बंदे ने जाके वहाँ पे वो हंगामा आरई की है, तो जैसे वो बता रहे हैं कि उसको मारा पीटा गया है, जाहिर है हमारी गवर्नमेंट जो है वो इंसाफ के नाम पे आई थी, लेकिन अब तक इंसाफ की ऐसी कोई मिसाल कायम नहीं कर पाए, क्योंकि जब एक अदालत ने फैसला दे दिया है और लड़की ने बयान दिए हैं गवाहन की मौजूदगी में, और उसने अपनी फैमिली की मौजूदगी में, जो उनकी प्रीवियस फैमिली थी, कि मैंने अपनी मर्जी से इस्लाम कबूल किया और अपनी मर्जी से इस बंदे से निकाह किया है, तो फिर मेरा नहीं ख्याल कि इंसाफ वाले इंसाफ ना कर पाए, बमुश्किल मतलब नहीं कर पाए अभी तक, तो ये मामला दोबारा एक हाइप क्रिएट हुई। अब मुझे नहीं समझ आती कि वो जो मुसलमान फैमिली थी, वो जो इमरान चिश्ती के नाम से एक बंदा है, वो जहाँ जो वीडियो में दिखाया गया है कि चीख रहा है, और वो सही चीख रहा था, क्योंकि उसको ये फोर्स किया जा रहा था कि इसको तलाक दिलवाओ, तो उसको मारा पीटा गया है जैसे पाकिस्तान में होता है, कानून तो बाप का है, तो किसी भी डीसीओ को या एसएचओ को कह के, डीसीओ तो बहुत ऊपर है, एसएचओ यहाँ मान नहीं होता, तो उनको कह के उसकी छितरोल बेचारे की गई है, तो जाहिर है उसको दर्द था, तो उसने तो चीखना था ना। तो अभी अगर वो चीखा है तो उसको फिर उल्टा मामला दिया जा रहा है कि मुसलमानों ने अटैक कर दिया, ऐसा नहीं है। ननकाना साहब एक बहुत पीसफुल सिटी है, यहाँ से हम डेकेड से सिख कम्युनिटी के साथ रह रहे हैं और हमारे बड़े अच्छे बरादराना ताल्लुकात हैं उनके साथ, सिख दोस्त हैं, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। लेकिन मीडिया पे जो बेसमझ के लोग वीडियो को फजूल में शेयर किए जा रहे हैं, ऐसा ना करें जब तक आपको हकायक का नहीं पता। अब बेसिक सिंपल सी बात थी कि अदालत ने कह दिया, तो अगर तो आप इंसाफ देना चाह रहे हैं आप, तो फिर आपको उस लड़की को उस लड़के के साथ भेजना चाहिए था। अगर आप नहीं भेज पा रहे, उसको दारुल अमान भेज दिया है, तो फिर आप उस सिख फैमिली को उसको मना करें कि वो उसको लड़की को थ्रेट ना करे या लड़के के
जो है पेरेंट्स है या लड़का है उसको थ्रेट्स ना करें। लेकिन अब ये मामला जो है जाहिर है एक एजेंसियों की नज़रों में आ चुका है और इंडिया तो इससे भरपूर फ़ायदा उठाना चाह रहा है, तो मेरी पाकिस्तान